नमस्कार दोस्तों, महान विभूतियों ने कहा है कि मन जीते जीत होए, मन हारे सब हार। इसीलिए हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक शुरुआत तो दो। मैं कुमार अभिषेक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है बच्चे हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य। सुनते रहिए, धन्यवाद। बचपन हर गम से बेगाना होता है। बच्चे हमारी राष्ट्र की धरोहर है। जब तक ये नींव मजबूत होगी, राष्ट्र का भविष्य स्वच्छ और उज्जवल होगा। जब तक आप अंधेरे को नहीं जानेंगे, अंधेरे से नहीं गुजरेंगे, उजाले की कीमत नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक माता पिता को चाहिए वो अपने बच्चे को सभी तरह की सुविधा प्रदान करे, पर साथ ही उस सुविधा के पीछे की दास्तान भी बताए कि आप किस किस असुविधा से गुजरे हैं। अपने बच्चे को केवल सुख की छांव नहीं, थोड़ा धूप का एहसास भी कराए, क्योंकि आने वाला समय कब करवट ले ले किसी को भी पता नहीं। तब उस विपरीत समय अगर आपके बच्चे के पास कोई बचाव की तरकीब नहीं होगी तो वो उससे दामन छुड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर सकेगा। आजकल देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चे को जरा भी खरोंच नहीं आने देते, वो कदम कदम पर सुरक्षा कवच बने रहते हैं। इससे आपका बच्चा डरपोक और बुजदिल बन जाएगा। उसे फिर हर वक्त किसी भी समस्या सुलझाने के लिए फिर कोई ना कोई सहारा, मशवरा या सिफारिश की आवश्यकता पड़ सकती है। शेर सिंह या शेर खान नाम रख देने से कुछ नहीं होता, हीरा तो तराशने पर पहचाना जाता है। मिट्टी के शेरों के साथ सिर्फ दिल बहलाया जा सकता है, लड़ा नहीं जा सकता। हर माता पिता को सोचना पड़ेगा कि उनका पहला धर्म इंसानियत सिखाना है। अगर वो खुद सबक सीखे होंगे तो, नहीं तो अनपढ़ जाहिलों की भांति अपने बच्चे को सिर्फ आतंकवाद या देशद्रोही ही बना देंगे। हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को सुविधा तो दे ही, पर उसे पैदा करने का हुनर भी सिखाए। जो बच्चा अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकेगा वो क्या खाक राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा? जिसे गिरकर उठना नहीं आता वो सहारे के मोहताज बन जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को सिर्फ तसल्ली नहीं दे, उसे बड़ा सा मैदान दे जहां वो पढ़ाई और करियर से ऊपर उठकर अपने आप को देख सके, समझ सके। अपने बच्चों में प्रतिभा ढूंढिए, उसका विकास करें। देखा देखी करके आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ देते हैं। पौधे का लालन पालन, सार संभार पौधे रहते ही में कर लेनी चाहिए, फिर वृक्ष बन जाने पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो वो आपको छांव देने लगेगा, फल देने लगेगा। बालक जब तक बालक है, उसका लालन पालन, संस्कार का सिंचन उसी अवस्था में हो जाना जरूरी है, क्योंकि तब उसका अवचेतन मन, जागृत मन, श्रवण शक्ति, घ्राण शक्ति, स्मरण शक्ति तेज होती है। प्रतिभाएं ऐसे ही नहीं उभरती, उसके लिए श्रेष्ठ प्रतिमाओं का चिंतन होना आवश्यक है। आप केवल प्रभाव अथवा पर्सनालिटी पर न जाए। सफेद वस्त्रधारी सभी सज्जन नहीं होते और बुरे वेशधारी सभी भिखारी नहीं होते। आपकी सौबत और संगत आपके निर्माता है। भेड़ के बीच में रहकर पलने वाला शेर का बच्चा भीड़ से बाहर निकलने पर ही शेर कहलाता है। पंडित के घर का तोता राम राम बोलता है और कसाई के घर का तोता मार मार बोलता है। आपका पुस्तक आपका दिमाग है, वही शास्त्र है, वही शस्त्र है, वही राष्ट्र की धरोहर बन सकता है। पर जब तक हृदय की वेदी पर उसका आवाहन नहीं होता, कोरा ज्ञान ही रह जाता है।